जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बड़ौदा यूपी बैंक में जो इंगेजमेंट ऑफ एप्रीटेंस अंडर द एप्रीटेंस एक्ट 1961 के तहत जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज हम बात करेंगे बड़ौदा यूपी बैंक में जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या उसकी लास्ट डेट रहने वाली है और क्या उसका सिलेबस है एग्ज़ाम का, आज पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो के अंत तक जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात, डेट की बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन और डेट की बात। तो आप ये देख रहे होंगे ये 5 मार्च से इसके रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 15 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे, 15 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और वैकेंसी की बात करें तो इसने दे रखा है उत्तर प्रदेश में, यूपी, सिर्फ ये ओनली यूपी के लिए वैकेंसी है यूपी में। और लैंग्वेज की बात करें हम तो लैंग्वेज हिंदी, लैंग्वेज जो है हिंदी है। और आपकी वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी दी हुई है। एससी की 52 पोस्ट हैं, एसटी की 3 पोस्ट हैं, ओबीसी की 67 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्ट और जनरल की 103 पोस्ट। कुल पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट इसमें 250 रखी गई हैं, कुल पोस्ट जो है इसमें 250 रखी गई हैं। और देखिए अगर बात करें तो इसमें इन्होंने ये जो है वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बांट के रखी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं ये भी आप देख सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी हैं। देखिए अगर एजुकेशन की बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन फॉर रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, आपके पास किसी भी माध्यम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बीए, बीएससी या एमए, बीए का बैम, बीकॉम कोई भी डिग्री होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो डायरेक्शन ट्रेनिंग जो है इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी, 12 मंथ तक आपकी इसके अंदर वो करेंगे। और इसमें देखिए स्टिपेंड बेनिफिट दे रखा है, 1 साल जो आपको बेनिफिट वो मिलेगा स्टिपेंड के रूप में वो 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। आप कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात, सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन रिटन टेस्ट, पहले जो होगा एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जिसमें आप देख रहे हैं जनरल आंसर्स यानी कि जीके के क्वेश्चन, कोई 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, जनरल इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन यानी कि इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन 25 मिनट के 25 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं गणित की, तो न्यूमेरिकल जो हैं वो 25 क्वेश्चन के आएंगे और 25 नंबर के होंगे, ऐसे रीजनिंग 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर की होगी। तो इसका टोटल आपके जो क्वेश्चन है 100 नंबर का और 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइमिंग इसका रहने वाला है 1 घंटा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उत्तर प्रदेश इसके सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर हैं आप इसके प्रयागराज है, बरेली है, अयोध्या है, गोरखपुर है, कानपुर और वाराणसी, इन्हीं में से आप किसी भी एक एग्ज़ाम सेंटर को चुन सकते हैं। अप्रैल एग्ज़ाम की बात करें तो इसके एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के माह में दिए होगा, अप्रैल माह के अंत तक इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका जिस रिटन टेस्ट होने के बाद आपका एक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका एक टेस्ट कराया जाएगा जिसकी जो भाषा आप उस क्षेत्र में बोली जाती है उसका। फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। फिर वेरीफिकेशन ऑफ पोस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन क्वालिफाई और टेस्ट ऑफ फिटनेस टेस्ट, सारे इन चीज़ों की वो बना के एक फाइनल वेरिट आएगी जिसके द्वारा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 450 रुपये फीस रखी गई है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। तो ये थी आज इस बड़ौदा यूपी बैंक के बारे में जानकारी। तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं।